हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रजनीश प्रजापति और आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल रजनीश ऑफिशियल में। आज हम लोग मच्छर के बारे में कुछ अमेजिंग इन्फॉर्मेशन जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, मच्छर का प्रकोप गर्मियों और बरसात के दिनों में बढ़ जाता है, वहीं कई बार ठंड में भी मच्छर काटने लगते हैं। मच्छरों के काटने से कई खतरनाक बीमारियाँ जन्म लेती हैं। मच्छरों के काटने से डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी घातक बीमारियाँ अपना प्रकोप फैला सकती हैं। मच्छरों से सभी परेशान होते हैं। जैसे ही दिन ढलना शुरू होता है, मच्छरों की फौज आपके घरों में घुस जाती हैं और आप पर हमला कर देती हैं। कई बार जब आप शाम के समय कहीं बैठे होते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा कि मच्छर आपके सिर के ऊपर मंडराने लगते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि खून चूसने वाले मच्छर आपके सिर के ऊपर क्यों मंडराते हैं? सिर्फ मच्छर ही नहीं बल्कि कई और कीट पतंगे भी होते हैं जो इंसान के सिर के ऊपर मंडराना पसंद करते हैं। हालांकि मच्छर एक खास वजह से आपके शरीर के ऊपर मंडराता है। इंसान कहता है कि सिर पर मंडराने वाले सारे मच्छर इंसान को काटते नहीं हैं। बता दें कि इंसान के सिर के ऊपर नर और मादा मच्छर दोनों मंडराते हैं, लेकिन इंसान का खून सिर्फ मादा मच्छर ही चूसती है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि नर मच्छर अगर काटते नहीं हैं तो वो इंसान के सिर के ऊपर क्यों मंडराते हैं? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंसान के शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। एक रिसर्च के अनुसार मच्छर इसी गैस की तरफ आकर्षित होते हैं। मच्छरों को इसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से 10 मीटर दूरी से ही इंसानों के आसपास होने का पता चल जाता है। दरअसल मच्छरों को कार्बन डाइऑक्साइड की गंध काफ़ी पसंद आती है। कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा मच्छरों को इंसान के पसीने की गंध भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। इंसान के शरीर से निकलने वाली पसीने की गंध मच्छरों को काफ़ी भाती है। अक्सर आपने महसूस किया होगा कि कसरत करने के बाद मच्छरों की टोली आपके सिर के ऊपर मंडराने लगती है। बता दें कि सिर पर बाल होने की वजह से वहाँ का पसीना जल्दी से नहीं सूखता, इसीलिए मच्छर कसरत के बाद आपके शरीर के ऊपर मंडराने लगते हैं। कई लोग अपने बालों में हेयर जेल लगाते हैं। मच्छरों को इन जेल की खुशबू भी काफ़ी पसंद आती है। हेयर जेल की खुशबू मिलने से ही मच्छर आपके शरीर के चारों ओर मंडराने लगते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आप लोगों को जानकर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा ज़रूर, और हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा।